नमस्कार, मेरा नाम संतोष तोतवानी, मेरा रहना सिंधी कॉलोनी खामला नागपुर। मेरा टेस्ट 25 तारीख को, कोरोना टेस्ट 25 तारीख को हुआ था, जो कि पॉजिटिव है। उसके बाद मेरे घर वालों को लाया गया 26 तारीख को, उनका टेस्ट हुआ, उनमें से मेरी गुड़िया निगेटिव आ गई। बाकी मेरी फैमिली में मेरी वाइफ, मेरा बच्चा और मेरी मदर, वो पॉजिटिव आ गए। मेरा खामरा सिंधी कॉलोनी वासियों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि पैनिक ना हो, ठीक है। उसके बाद मेरे दुकान के स्टाफ को भी लाया गया था, जिनकी रिपोर्ट की गई और उनका निगेटिव आ गया सभी का, ठीक है। चार लोगों का निगेटिव आ गया, जो कि मेरे साथ दुकान में ही रहते थे बहुत समय, ठीक है। तो मेरा खामरा वासियों से कहना है कि कोई भी आप पैनिक ना हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मुझे हुआ है तो आपको भी होगा। मुझे होने का कारण ये है कि मुझे होने का कारण ये है कि मेरी इम्यूनिटी जो पावर है वो कम है। उसका कारण ऐसा कि मुझे पिछले 13 सालों से शुगर है। जिस किसी का भी इम्यूनिटी पावर अच्छा है उसको वायरस नहीं पकड़ता है, या बहुत कम चांसेस रहते हैं उसको पकड़ने के। आप सुरक्षित रहिए मेरे खामलावासी, सुरक्षित रहिए और पैनिक नहीं होइए। आपकी तबीयत जब ख़राब होती है, आपको कुछ सिम्टम्स दिखते हैं कि बुखार है, खांसी है, सर्दी है, जुकाम है, ऐसा कोई तबीयत आपकी ख़राब होती है तो ही आप चेक करवा दी जाइए। नहीं तो संतोष खामला का है और उसे हो गया है तो हमें हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। किसी चीज़ से भी हो सकता है, आप जो दूध की थैली लाते हैं उससे भी हो सकता है, आप जो सब्जी लाते हैं उससे भी हो सकता है। क्योंकि मेरे मामा जी डॉक्टर हैं, मैंने उनसे बात की थी तो उन्होंने मेरे को जानकारी दी कि बेटा जो थैली लाता है सब्जी की, वो भी चौखट के बाहर रख दिया कर 12 घंटे के लिए। जो दूध की थैली लाता है उसको भी गर्म पानी से धो के बाद में ही वापरने का है दूध को। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। सबसे बड़ी बात है इम्यूनिटी पावर की, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो नहीं होता है। जैसे मेरे वर्कर जो चार थे उनको भी नहीं आया। तो खामरावासी प्लीज़ पैनिक ना हो, मेरी आपसे दरख्वास्त है, यही रिक्वेस्ट है खामरावासियों से। और सभी अपना ध्यान रखें, सब अपने घर के अंदर रहें और अपने बच्चों को सुरक्षित रखें। मेरी गुड़िया भी अभी खामरा में है, वो भी खामरा में ही रह रही क्योंकि वो निगेटिव आई है। ओके, धन्यवाद।